बसमिल वरमल वर्क नाजरीन सोशल मीडिया पर इस वक्त एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है कराची में ये वाकया पेश आया कुर्बानी के जानवर को सेकंड फ्लोर से उतारा जा रहा था कि वो क्रेन से गिर गया जानवर के गिरते ही मालिक ने उसे ज़िबा भी कर दिया सवाल ये किया जा रहा है कि क्या ऐसी कुर्बानी सही होगी नाजरीन आप ये क्लिप देखें इसके बाद हम ये जानते हैं कि शरीयत इस बारे में क्या इंतहाई दिल खराश मनाजिर हैं जानवर को काफ़ी अजियत पहुँची मगर अफसोसनाक बात यह है कि ये कोई पहला वाक़ नहीं है इस तरह के वाक़ पहले भी पेश आ चुके हैं कराची के अक्सर घरों में ये रिवायत है कि दो दो तीन तीन मंजिला छतों पर पूरा साल कुर्बानी के जानवरों को पाला जाता है और जब क़ुरबानी का वक्त आता है तो करेन की मदद से उन्हें उतारा जाता है जब पहले भी कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं तो ज़रूरत इंतहाई एहतियात और हिफाजती इकदाम करने की है इस्लाम में जनरली जानवरों के हकूक़ मतयन हैं, मगर स्पेशली कुर्बानी के जानवरों की ताक़ीद है शरीयत में कुर्बानी के जानवर की ख़रीदारी से ज़िबा तक अच्छी तरह जांच पड़ताल देखभाल और जानवर को तकलीफ से बचाने का हुक्म है सही मुस्लिम हदीस नंबर वन नाइन डबल फाइव शद्दाद बिन औसरत से रिवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिबा करने में भी एहसान करो छुरी तेज कर लो और अपने जबीहा को बेजा तकलीफ़ ना पहुंचाओ नाजरीन इस वाकई से नजर आता है कि हमेशा की तरह इस बार भी उतारने में गफलत की गई है जानवर को बांधने वाली बेल्ट या डिसबैलेंस होने की सूरत में जानवर को चोट से बचाने के लिए तदाबीर का फुकदान हमेशा रहता है जो कि इस वीडियो में भी वाज नजर आ रहा है कि बेल्ट सिर्फ सिंगल है यह जानवर पर जुल्म और गुनाह है लेकिन अगर ऐसा सब कुछ ईद नमाज अदा करने के बाद हो छुरी फेरते हुए जानवर जिंदा भी हो और तकबीर भी पड़ी जाए तो कुर्बानी सही और हलाल है लेकिन एहतियात कीजिए जानवरों पर रहम कीजिए क्योंकि ऐसा करना जानवर पर जुल्म और यकीनन गुनाह है अस्सलामुअलैकुम वरू पर...